जेडीयू की जीत के पीछे मंत्री संजय झा के इलेक्शन मैनेजमेंट की चर्चा हो रही है। संजय झा चुनाव के दौरान कुशेश्वर स्थान में कैंप किए हुए थे और अब जेडीयू उम्मीदवार की धमाकेदार जीत हुई है। इससे पहले संजय झा पहले ही अपने काम के बूते मिथिलावासियों के बीच अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। कुशेश्वर स्थान सीट पर जीत के नायक, जीत के पीछे संजय की चाणक्य नीति, मिथिलांचल में सवर्णों के सर्वमान्य नेता। एनडीए ने दरभंगा के कुशेश्वर स्थान सीट पर उपचुनाव में धमाकेदार जीत दर्ज की। जेडीयू के अमन भूषण हजारी ने आरजेडी के गणेश भारती को 12,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया है। लेकिन इस बड़ी जीत के पीछे जिस चाणक्य की नीति की चर्चा हो रही है वो है बिहार सरकार में जल संसाधन सह सूचना और जनसंपर्क मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता संजय झा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संजय झा को कुशेश्वर स्थान सीट का प्रभारी बनाया था, जहां संजय झा सीएम के भरोसे पर खड़े उतरे और अपनी चाणक्य नीति के आगे उन्होंने विपक्ष को चित्त कर दिया। पूरे चुनाव के दौरान संजय झा लगातार कुशेश्वर स्थान में डटे रहे। सीएम नीतीश कुमार की जनसभा की बात हो या एनडीए नेताओं के प्रचार का खाका, पूरा इलेक्शन मैनेजमेंट खुद संजय झा ने संभाला। जीत के बाद संजय झा ने नीतीश कुमार और एनडीए सरकार पर भरोसा जताने के लिए जनता का आभार जताया है। यूज किया गया हमारे नेता और मुख्यमंत्री को लेकर के, बिहार की जनता जानती है। ये जो मौसमी लोग आकर के भाषण दिए और फिर भाग गए, अब तो इंडोर्स हो गया। पिछली बार के तुलना में लगभग डबल वोट से हम लोग जीते हैं। एक बात जरूर है जो मैंने अनुभव किया इस चुनाव में नज़दीक से देख करके, अगर लोगों को कोई ग्रीवांस है कि ये काम होना चाहिए तो विश्वास भी हम ही लोगों पर है कि ये काम यही करके देंगे। उन पर कोई विश्वास नहीं है जनता का, और खास कल के महिला वोटर जो है उसका बहुत बड़ा समर्थन इस चुनाव में हम लोगों को मिला। बीजेपी से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने वाले संजय झा ने जेएनयू से इतिहास में मास्टर किया है। बीजेपी में रहते हुए वो पहली बार विधान पार्षद बने थे, हालांकि बाद में वो जेडीयू में शामिल हो गए और आज वो सीएम नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते हैं। इसके साथ ही संजय झा की राजनीतिक गलियारों में पहुंच काफी ऊंची है। वो लगातार दूसरी बार नीतीश सरकार में मंत्री बनाए गए हैं। उनके समर्थक सिर्फ जेडीयू में ही नहीं बल्कि बाकी दलों में भी हैं। जैसे संजय झा मिथिलांचल में सवर्णों के सर्वमान्य नेता बनकर उभरे, ठीक उसी तरह अपने काम के बूते उन्होंने मिथिलावासियों के बीच अलग पहचान बनाई। बात दरभंगा एयरपोर्ट की करें या कोसी नदी और कमला नदी पर बने पुल की, दोनों ही योजनाओं को पूरा करने में संजय झा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनकी चर्चा तब भी हुई थी जब उन्होंने मैथिली भाषा में मंत्री पद की शपथ ली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।